हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मिनी है और कुक विद मिनी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज एक और मीठे की रेसिपी मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ। ये बिहार की ऑथेंटिक रेसिपी है, बहुत ही यमी, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही डिलीशियस बनती है। ये रेसिपी झटपट से बन जाती है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। यहाँ मैंने ले लिया है कढ़ाई। अब हम इसमें 1 कप जितनी चीनी डालेंगे। आप चीनी की जगह देसी खांड भी डाल सकते हैं। जिस कप के नाप से मैंने चीनी ली थी, उसी कप के नाप से मैं 2 कप जितना पानी डाल रही हूँ। यहाँ मैंने 1/2 kg जितनी परमल लेने के बाद उसके छिलके उतार लिए थे और इसे डीसीड कर लिया था, इसे भी डाल देंगे। परमल को हमने शुगर सिरप के साथ ही पकाना है, जिसमें बहुत ही बढ़िया सी मिठास हमारे परमल में आ जाए। इसे पकने देते हैं, तेज आंच पर ही हमने इसे पकाना है। से अब हम इसके लिए रबड़ी रेडी कर लेते हैं। मैंने एक और पैन लेने के बाद अब हम इसमें 1 कटोरी जितना मिल्क डालेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे मैं जिस नाप से मैंने मिल्क लिया था, उसी नाप के इसमें मैंने 2 कटोरी जितना मिल्क पाउडर लिया है, इसे डालेंगे। इसे डालने के बाद हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये इंस्टेंट रबड़ी है, अगर आप इस ढंग से बनाना चाहते हैं तो आप इस ढंग से बनाइए, नहीं तो जो ऑथेंटिक स्टाइल है रबड़ी बनाने का, आप उस ढंग से भी रबड़ी बना सकते हैं। बट आजकल बिजी माहौल है, सबके पास में इतना टाइम होता नहीं है। बस ये मन होता है कि हम अपने हाथ से अपने भाई के लिए एक बढ़िया सी मिठाई लेकर जाएं, जो उसे बहुत ही पसंद हो। अब गैस का फ्लेम आपने धीरे ही रखना है और इसे हिलाते हुए पकाना है, जिससे इसमें कोई भी लम्प्स ना रहे। मिल्क पाउडर हमारा दूध के साथ मिक्स हो चुका है। अभी पे मैं यहाँ पे 2 टेबलस्पून जितना डेसिकेटेड कोकोनट डाल रही हूँ। ये बहुत ही बढ़िया फ्लेवर देगा हमारी रबड़ी में। ये हमारी बहुत ही बढ़िया ढंग से देखिए थिक हो चुकी है। अब इस स्टेज पे यहाँ पे मैं 3 टेबलस्पून जितनी शुगर डाल रही हूँ। शुगर का यूज आप अपने टेस्ट बड के अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर लीजिएगा। अब इसे डालने के बाद हमने इसे मिक्स करना है और साथ ही साथ अब हम इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे। यहाँ मैंने रफली चॉप आलमंड्स लिए हैं, उसे डाल रही हूँ। साथ ही साथ टेस्ट को और थोड़ा सा बढ़ाने के लिए यहाँ पे मैं टुकड़े में कटा हुआ काजू डाल रही हूँ, ये ऑप्शनल है। बल्कि आप एक बार इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए और इसे अलग निकाल कर ठंडा कर लीजिए। परमल भी हमारे चाशनी के साथ अच्छे से पक चुके हैं। अब हम इन्हें अलग निकाल लेंगे और उसके बाद हमने इसे अच्छे से ठंडा कर लेना है। इसको पकने में कम से कम 10 से 15 मिनट लगते हैं, पर अगर आपका जो परमल का साइज है वो थोड़ा बड़ा होगा तो 20 से 25 मिनट भी लग सकते हैं। परमल हमारे ठंडे हो गए थे और रबड़ी भी हमारी ठंडी हो चुकी थी। मैंने इसे इस तरह से फिल कर लिया है अपने सभी परमल में, तो लीजिए रेडी है बहुत ही यमी एंड टेस्टी बिहार की ऑथेंटिक रेसिपी परमल की मिठाई। इसे आप इस रक्षाबंधन पे जरूर ट्राई कीजिएगा।